मध्यप्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ व कंप्यूटर ऑपरेटर जिला संघ के बैनर तले नरसिंहपुर जिले में सभी सहकारिता कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 12वां दिन है। इस दौरान इन्होंने तरह तरह के प्रदर्शन करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी बात पर सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाए। अब इन लोगों का कहना है कि यह लोग काफी परेशान हो चुके हैं, कई सालों से अपनी मांगों को लेकर कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। अब इन्होंने निर्णय लेते हुए जिले के सभी सहकारी समिति कर्मचारियों ने अपना अपना इस्तीफा लिखकर इकट्ठे कर लिए हैं। आगामी 18 तारीख को राजधानी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा प्रस्तुत करेंगे। हम लोग आज 12 दिन से हड़ताल पर हैं और हम लोगों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही हैं। जब मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो हम लोगों के जो भोपाल में बैठे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पहले से भी निर्देशित है कि 19 तारीख को हम लोग इस्तीफे लेकर जाएंगे। न सिर्फ हमारे जिले में बल्कि 52 जिलों से हमारे सारे कर्मचारी इस्तीफा लेकर जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग भी हमारे नरसिंहपुर जिले के कम से कम 500 से 700 लोगों के इस्तीफे इस समय हम लोगों के पास हैं और वो लेकर हम लोग 19 तारीख को वहाँ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि ये हमारी इस्तीफे आप स्वीकार करिए, हम लोगों को इस काम को अब नहीं करना है। मत कर नाटक, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।